हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका टेस्ट बर्ड से। यहाँ पे ले लिया है मैंने गेहूं का आटा और ये ले लिया है मैंने पालक, जिसको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद में इसको मैंने पीस लिया था और इसको डाल देना है इस आटे के अंदर। अब इसका इसमें डालना है मैंने 1 चम्मच नमक, जो इतने आटे के लिए बिल्कुल सफिशियंट था। उसके बाद ली है मैंने अजवाइन, और अजवाइन लेने के बाद में मैंने हाथ से उसको क्रश किया, फिर इस आटे के अंदर डाला। इससे इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा। और इसको अच्छे से मिक्स किया। जब डो बना रहे थे ना, तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला था 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसको साइड बाई साइड रख दिया था 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने तेल गर्म किया एक कढ़ाई में, उसमें डाला मैंने जीरा और हींग। हींग डालने के बाद मैंने इसमें डाले हैं चॉप किए हुए प्याज, उसको अच्छे से भून लिया है। ये देखिए, भूनने के बाद में इसमें ऐड कर दिया मैंने मटर। मटर और प्याज को बढ़िया से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसमें डाला है मैंने गरम मसाला और नमक, और इसको 5 मिनट के लिए लिड लगा के मैंने ढक दिया था, जिससे ये बढ़िया से पक के हमारी फिलिंग तैयार हो गई थी। उसके बाद लिया मैंने एक मैशर से इस सारी उसको फिलिंग को मैंने मैश कर दिया। इसमें डाल दिया है मैंने पनीर डालने के बाद, वाओ क्या बात है, ये मटर और पनीर बढ़िया हमारा बनके तैयार हो चुका था। उसके बाद मैंने लिया आटे की लोई बनाई, और लोई बनाने के बाद में उसको अच्छे से बेल लिया। बेलने के बाद में सारी फिलिंग को मैंने इस तरह से चम्मच से ले लेकर के भर दिया। भरने के बाद में बढ़िया से मैंने इसको दबा दिया था, जिससे हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। और ऐसे मैंने लोइयाँ बना के बिल्कुल तैयार कर ली थी। उसके बाद इसको बिल्कुल धीमी आँच पर गोल्डन ब्राउन भूनना था। बिल्कुल धीमे धीमे भूनिएगा, जिससे इसका कुरकुरापन बना रहता है। और अगर आप जल्दी तेज आँच में भूनेंगे तो कुरकुरी नहीं रहेंगी, इसलिए मैंने इस तरह से सारी कचौड़ियों को धीमी धीमी आँच पर सेक लिया था। ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ बनके बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।